हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं परेश पीपी न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा अभी स्मार्टफोन का ज़माना बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया है, हर किसी के पास अभी स्मार्टफोन हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हम फिलहाल मार्केट से फ़ोन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमें जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्नैपडील हुई, फेसबुक, अमेजोन हुआ, उसके बाद फ्लिपकार्ट हुआ, ये जो वेबसाइट है ये हमें भरगोस, मतलब हमें फुल्ली हमें स्क्रैचबैक देती रहती है, बढ़िया बढ़िया ऑफर देती रहती है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो बढ़िया बढ़िया मोबाइल रहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और अपने पास ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें होता क्या है फ्रेंड्स, कई बड़ी ऑनलाइन कंपनी है तो उसमें कैसे कभी कभार फ्रॉड हो जाता है, कभी कभार हमें फंसाया जाता है, कभी कभार हमें मार्केट में भी फंसाया जाता है और बताया जाता है कि ये मोबाइल ले लीजिए। ब्रांड बैरन का सब ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहता है वहाँ पे। सैमसंग का सपोज मोबाइल रहा, सैमसंग का नाम रहता है, बैटरी सैमसंग की रहती है, सब कुछ सैमसंग का दिखाया रहता है, लेकिन मोबाइल जो रहता है वो चाइनीज़ कंपनी है, बोगस, मतलब फ्रॉड, हमें फंसाया जाता है, फालतू का मोबाइल हमें दिया जाता है। सब कुछ वही रहता है फ्रेंड्स, आपको बताया जाता है कि मोबाइल यही है लेकिन वो फ्रंट जो रहता है डुप्लीकेट रहता है। तो ऐसे में हमारी हो जाती फ्रेंड्स, हम जाते वहाँ पे फर्स्ट, तो हमें हमारे पैसे का हो जाता है नुकसान। तो उसके लिए हमें वो क्या करना चाहिए और क्या हमें चेक करके मोबाइल लेना चाहिए और कैसे चेक करें और कहाँ से चेक करें और कहाँ से पता करें, तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, यानी कि आप 2 मिनट में पता कर सकते हैं कि ये फ़ोन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं, कुछ भी करना नहीं है। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा उसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका फ़ोन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है फ्रेंड। तो सिंपली आपको फ्रेंड्स डायलर में जाना होगा। डायलर में जाने के बाद आपको IMEI नंबर तो पता ही होगा, वो आपको निकालना होगा फ्रेंड्स। तो सपोज आपको नहीं पता होगा IMEI नंबर तो वो कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। तो सिंपली फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे टाइप करना है फ्रेंड्स *#06##, जैसे भी आपको दबाएंगे फ्रेंड्स डायरेक्टली वो नंबर शो हो जाएगा, आपको कॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये नंबर मैं दबाती ही मेरा जो है IMEI नंबर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो गया फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपके सपोज फ़ोन में 2 सिम रहे तो 2 IMEI नंबर दिखाएंगे, 1 सिम रहा तो 1 IMEI नंबर दिखाएगा। फिलहाल मेरे फ़ोन में 2 सिम है तो यहाँ पे 2 सिम का IMEI नंबर दिखा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ़ोन का IMEI नंबर रहता है फ्रेंड्स, सिम का नहीं रहता है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 IMEI नंबर दिख रहे हैं, तो ऊपर या नीचे का आप जो भी नंबर है ये आप IMEI नंबर लिख ले या कहीं पे आप कॉपी उसको डाल रखे फ्रेंड्स, क्योंकि आपको दूसरी जगह पे पेस्ट करना है फ्रेंड्स। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। नोट करने के बाद आप इसको डायरेक्टली ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको बैक जाना है और गूगल क्रोम का आपका ब्राउज़र होगा, जो भी आपके फ़ोन में ब्राउज़र होगा वो फ़ोन का ब्राउज़र आप ओपन कीजिए। सपोज़ मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली वहाँ पे गूगल पे जाना है फ्रेंड्स। तो मैं सिंपली google.com ओपन करता हूँ फ्रेंड्स। google.com ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है फ्रेंड्स IMEI चेक। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा और आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरा ये जो फ़ोन है ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको वहाँ पे google.com पे सर्च करना है IMEI चेक। तो अभी ये फ्रेंड लोड हो रहा है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डाउन चल रहा है, इसके लिए ये स्पीड नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। तो सिंपली मेरा गूगल ओपन हो गया, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे डालूंगा IMEI चेक। यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड फर्स्ट नंबर का जेन्युइन वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये फालतू की वेबसाइट नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल डिटेल दी जाती है फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले जो वेबसाइट दिख रही है उस पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने जो नंबर नोट करके रखा है फ्रेंड्स वो आपको वहाँ पे डालना है और वहाँ पे आपको सबमिट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि वो कैसे होता है और कैसे नहीं। तो इस तरह की वेबसाइट वहाँ पे ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे एंटर IMEI नंबर एग्जाम्पल आपको दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपको सिंपली आपका जो नंबर आपने लिखा हुआ है वहाँ पे आपको डालना है। तो मैंने वहाँ पे कॉपी करके रखा था फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे IMNOT robot पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे टिक होने के बाद मतलब यानी कि इसका मतलब होता है कि आप रोबोट नहीं है, आप इसके लिए ये यहाँ पे कैप्चा दिया जाता है फ्रेंड्स। तो सिंपली आपको चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स से डायरेक्टली इसका चेकिंग हो जाएगा और आपका मोबाइल की सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अभी मेरा फ़ोन सैमसंग का है, J5 मोबाइल है, तो यहाँ पे आ गया है फ्रेंड्स सैमसंग का J5 मोबाइल है और इसकी सब कुछ डिटेल आ गई विथ उसका फ़ोटो भी आ गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब कुछ डिटेल दी गई है फ्रेंड्स कि आपका फ़ोन कब हुआ था, लॉन्च कब हुआ था, रिलीज़ कब हुआ था, उसका एक सिम नैनो है, माइक्रो है, कौन सा सिम है, यहाँ पे सब कुछ दिया है फ्रेंड्स। सपोज़ आपका फ़ोन डुप्लीकेट रहा, सपोज़ आपने एप्पल का मोबाइल लिया और एप्पल का मोबाइल वो चाइनीज़ मोबाइल रहा, सब कुछ एप्पल का वहाँ पे दिखाया जा रहा है लेकिन वो चाइनीज़ रहा, तो आप 1 मिनट में यहाँ से पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली IMEI नंबर डालती है वहाँ पे जो ब्रांड का नाम आ रहा है वो ब्रांड आपको वो बता देगा कि ये कौन सा ब्रांड का है फ्रेंड। इसके लिए आप जब भी कभी मोबाइल ले फ्रेंड्स तो ये ज़रूर चेक कर लें कि अपना मोबाइल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है फ्रेंड। तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा 2 GB रैम है, 16 GB आपका
मेरा इंटरनल स्टोरेज है, यहाँ पे सब कुछ मुझे यहाँ पे बताया दे रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी, आपको भी ऐसा कोई फंसा है नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये तरीका ज़रूर आजमाए फ्रेंड्स, और आप बच के रहिएगा, आपको कोई फंसा है ना फ्रेंड्स। तो ये वेबसाइट पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा और अपना भी मोबाइल चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना, और आपको चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ फ्रेंड्स और आपकी फ़ायदे की बात मैं आपको बताते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फटाफट पीबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।